नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस 758-760 के आसपास कारोबार करा 20/4/2022 को। अगर आप शेयर होल्डर्स हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के, तो स्टॉक में एक तेज़ी बनी है, स्टॉक ऊपर की तरफ आया और इसका जो 52 हाई था 867 रुपया बना था 25 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद इसमें मुनाफा वसूली हुई और मार्केट में गिरावट आई, तो स्टॉक नीचे की तरफ आ गया था, लगभग 640 तक आया था, तो बढ़कर अब देखिए 758 तक पहुंचा। और कुछ दिन पहले, 10-15 दिन पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था कि फाइनेंशियल नंबर आने वाले हैं, तो इसमें एक तेज़ी की संभावना रहेगी और स्टॉक ऊपर की तरफ है। अब देखिए आज 20/4/2022 है, तो 23/4/2022 को इसके फाइनेंशियल नंबर आने वाले हैं। 23 अप्रैल 2022 को इसके Q4 FY22 के नंबर्स आएंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट आएगा, साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा दोस्तों। तो देखिए स्टॉक में एक तरह से तेजी है, आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। Q4 के नतीजे किस तरह के रह सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना अनुमान दिया है, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट क्या रह सकता है और नेट इंटरेस्ट इनकम क्या रह सकता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का Q4 FY22 में। आईसीआईसीआई का नेट प्रॉफिट 6,451 करोड़ का रह सकता है, 6,451.3 करोड़ का रह सकता है, ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। 46.5% सालाना बढ़ सकता है, 4.2% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है दोस्तों। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 12,888 करोड़ का रह सकता है। Q4 में नेट इंटरेस्ट इनकम 12,888 करोड़ का रह सकता है और 23.6% सालाना बढ़ सकता है, 5.3% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी रह सकती है, सालाना 46.5% बढ़ सकता है और नेट प्रॉफिट 6,451 करोड़ और नेट इंटरेस्ट इनकम 12,888 करोड़, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। और प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट PPOP 10,728 करोड़ रह सकता है और 25.6% सालाना बढ़ सकता है ये, और 5.7% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ सकता है दोस्तों। नेट इंटरेस्ट इनकम 12,888 करोड़ का रह सकता है और नेट प्रॉफिट 6,451 करोड़ का रह सकता है, 6,451 करोड़ का रह सकता है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का Q4 FY22 में दोस्तों। इसी तरह के नंबर या इससे बढ़कर नंबर आते हैं तो एक स्टॉक में एक अच्छी तेजी आने की संभावना रहेगी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों, अब शेयर प्राइस के अनुसार बात कर लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में एक तेज़ी बनी है। देखिए इसका जो प्राइस था मार्च के फर्स्ट वीक में 8/3/2022 को 640 में था दोस्तों, यहाँ से बढ़कर ये 777 तक पहुँचा, एक तेज़ी बनी है इसमें। और रिजल्ट से पहले थोड़ी बहुत यहाँ पर मुनाफा वसूली देखी जा रही है। अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो देखिए 777 का जो प्राइस था इसका, ये प्राइस था 15/2/2022 को फरवरी के महीने में, ये ऊपर की तरफ था जब ये गिर रहा था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और जिनका टारगेट हिट हो गया है 770-775 के आसपास का, तो वो एक तरह से मुनाफा वसूली कर रहे हैं। जैसे कि चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे तो बढ़िया नतीजे आ सकते हैं। 777 को अगर ये ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ ये 800-805-810 तक जाता हुआ दिखेगा। अब इसमें करना क्या है कि जैसे कि 760-758 के आसपास ये दिख रहा है, आज भी इसमें थोड़ा बहुत गिरावट है, ऊपर की तरफ खुला था 767 और 769 का हाई बनाया, तो जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 2-2.5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, आज के अनुसार देखें तो लगभग 747-742 का होना चाहिए दोस्तों। ये जो तेजी बनी है तो ये 770 के आसपास थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो रही है दोस्तों। रिजल्ट 23 अप्रैल 2022 को इसके फाइनेंशियल नंबर आ रहे हैं और नतीजे बढ़िया आ सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ के आ सकते हैं और सालाना तो अच्छी ग्रोथ आ सकती है। और जिनका निवेश है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में, तो समय देने के अनुसार अपना 52-week हाई भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। अगर स्टॉक में गिरावट होती है आने वाले दिनों में तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का प्रेजेंट टाइम के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण है और 23 अप्रैल 2022 इम्पोर्टेंट डे रहेगा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। शेयर बाजार से जुड़े रहने के लिए, स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए, जानकारी के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।